Yes, hello guys. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So guys, हम मैथ समझ रहे थे, समझे आ रहे हैं। तो मैथ्स अगर आपको समझनी है, सीखनी है, कंटिन्यूसली रखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सही है गाइस, आइए समझते हैं मैथ्स। एग्री है, रेडी है समझने के लिए? ठीक है, तो रेडी हो जाए। रेडी नहीं है तो रेडी हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज नोट भी करें एंड फुल्ली कंसंट्रेशन से बैठें, हर चीज को फुल्ली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। सही है, ओके, स्टार्ट करें। चलो समझते हैं। तो आज क्या समझेंगे? आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 समझते आ रहे हैं, चार पार्ट समझे हैं, आज की क्लास में उसका फिफ्थ पार्ट है वो समझेंगे। वही क्वेश्चन है, वही मेथड है जो चार पार्ट समझते आ रहे हैं, अब फिफ्थ पार्ट में क्या है उसके हिसाब से समझेंगे। देखें तो फिर भी अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूं, वही चीज है। मतलब क्या है, अल्फा कॉमा बीटा जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट है, जो कह रहा है अल्फा कॉमा जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रूट इक्वेशन बी के में ना उनके रूट बी के में। अब क्या करना, फॉर्म द इक्वेशन हूज रूट्स आर। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, ड्राइव करनी है, फाइंड करनी है उनके रूट्स के में। ये सही आई पास कर दे, ठीक। तो अब कैसे स्टार्ट करें? अब पहले उस पॉइंट को लेंगे जो हमारे पास रूट गिवन है एंड उस रूट की इक्वेशन भी गिवन है, वो लेंगे। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, ये सेम एग्जैक्ट वही लाइन है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, दे रहा है, ये लिखिए, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम आगे मूव हो सकते हैं। सही है, कैसे आप देखिए, अगर अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं देन वी नो दैट sum of roots equal to minus b upon a and product of roots equal to c upon a, ये formula से हम use करते आ रहे हैं हर problem में। सही है, समझ में आ गया होगा formula लिखा। अब ये जो formula है quadratic equation का जो general form है या standard form है उसके हिसाब से, मगर यहाँ पर हमारे पास जो equation ये है इसके हिसाब से क्या होगा देखते हैं। minus b, b means x का coefficient, x का coefficient q upon a means x square का coefficient p लिखा बेटे, and then product of roots means c upon a, तो c का मतलब constant का constant है, हाँ, upon a means x square का coefficient, तो x square coefficient b तो r upon b, आई बात समझ में? इस equation के हिसाब से root का sum है, product मैंने लिखा, ठीक, agree है? अब देखें क्या हो रहा है, ये तो हो गई बात, equation given थी, उनके root भी given, तो उनके हिसाब से उस root का sum है, root का product find किया। अब जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो क्या है, उस इक्वेशन रूट तो गिवन है पर इक्वेशन कौन सी है, तो जो इक्वेशन रूट गिवन है उसके सब इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उस इक्वेशन का एक अपना जनरल फॉर्म होगा, वो लिखेंगे। अब देखिए कैसे है, माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब एंड माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा क्यूब आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन देकर इस इक्वेशन को लॉक किया है। क्यों किया? क्योंकि ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं, ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इन्हें रूट्स का हमें सम भी चाहिए एंड प्रोडक्ट भी चाहिए, तो पहले ये फाइंड करेंगे, ठीक। अब रूट का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो नीचे लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब देखें सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, sum of roots equal to first root minus 1 upon alpha cube plus करेंगे second root minus 1 upon beta cube के साथ, ठीक, just लिखे। अब देखिए next step में क्या आ रहा है, minus 1 divided by alpha cube, तो ये plus sign bracket के अंदर minus है, ताकि bracket remove हो जाए, sign multiply करें, plus into minus minus होगा 1 divided by beta cube। सही, अब क्या करेंगे, आरी बात समझ में, एलसीएम, क्योंकि डम फ्रैक्शन में माइनस और एलसीएम लेंगे तो हर टर्म में एलसीएम लेते आ रहे हैं, एलसीएम किसकी लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर की लेंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, डिफरेंट है जस्ट डिनोमिनेटर को आपस में कंबाइन करके लिखे अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब, ठीक, ये हो गया एलसीएम। सही है, तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, दोनों को कंबाइन किया दैट इज एलसीएम। अब फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर माइनस वन, ये अपान में क्या है अल्फा क्यूब,
अल्फा क्यूब को जो एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है उसके साथ डिवाइड करेंगे। अल्फा क्यूब में कैंसिल, बाकी क्या रहा, बीटा क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक, देन नेक्स्ट टर्म माइनस वन, नेक्स्ट टर्म क्या माने बीटा क्यूब है तो बीटा क्यूब को जो एलसीएम है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है उससे डिवाइड करेंगे बीटा क्यूब को, तो बीटा क्यूब में कैंसिल, बाकी बचा अल्फा क्यूब, तो इसके न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो। एग्री, आई बात समझ में? ठीक है, क्यों हर इसके में समझते आ रहे, ये सिंपल है, समझ में आ जरूर क्या होगा। आप देखें सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस वन इंटू बीटा क्यूब मीन्स बीटा क्यूब माइनस वन इंटू अल्फा क्यूब मीन्स ये भी अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, दोनों पे अलग अलग क्यूब है मल्टीप्लाई में, तो क्यूब एक ही क्यूब में लिख सकते हैं। सही, एग्री, ठीक है। अब देखो न्यूमेरेटर में दो टर्म है माइनस बीटा क्यूब, अल्फा भी माइनस के साथ है, रीअरेंज करके लिख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। सही है, दोनों की साइन नेगेटिव है, दोनों लिखे अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब आ गया। सही है, आई बात समझिए। अब देखिए न्यूमेरेटर में दो टर्म जो लाइन माइनस में है, दोनों टर्म में अगर माइनस की साइन कॉमन ले लें तो अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन थी, माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हो गई, तो ये समान रूट्स। सही है, एग्री, यहां तक आ रही बात आपको समझ में? ठीक, अब देखे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस साइन। अब ये न्यूमरेटर में दो टर्म जो प्लस है दोनों पे अलग अलग क्यूब है, अलग अलग क्यूब है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्यूब का। तो फॉर्मूला का पहले आवाज देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है, क्यूब है, सिंपलीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस साइन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब। सही है, फॉर्मूला लिखे, ठीक। अब फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला में देखिए अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मौजूद है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मौजूद नहीं है तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा मौजूद है, अल्फा इंटू बीटा मौजूद है तो बीच में एक टर्म रह चुका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कहां से आया, इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू होगी तभी तो सम ऑफ रूट्स मिलेगा ना हमें, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए देखें एज वी नो दैट वी नो अल्फा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सही है, ये फॉर्मूला पता है आपको। सही है, अब इस फॉर्मूला में ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ टू ए बी प्लस में, तो साइड में शिफ्ट करेंगे टू ए बी माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैक टू साइड पे रहा। सही है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, आई पास सब में। तो इस फॉर्मूले में ए प्लस बी है ए इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा टर्म है, एग्री है, आगे पास सब में। सो देखिए कैसे हो रहा है, तो जो टर्म नहीं मौजूद है उनको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा एंड देन माइनस अल्फा इंटू बीटा सेम है ब्रैकेट ओवर होल अपान में अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब। सही, आई बात समझ में, क्या किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे फॉर्मूला लिखा है, कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला का हवाला आपके सामने है कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, अब देखें माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा सेम है नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा ये माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस अल्फा इंटू बीटा मीन्स वन माइनस टू, तो दोनों को प्लस कर सकते हैं माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, नेगेटिव साइन है साइन सेम है दोनों को प्लस कर सकते हैं हो गए प्लस
तो क्यूब। सही है, तो यहां तक हो गई इनकी सिंप्लीफिकेशन। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपान पी, चलो माइनस क्यू अपान पी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपान पी, इसके होल स्क्वायर आ गया, माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आर अपान पी आ गई। सही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब तो सिंपल है। डिवाइडेड बाय आर अल्फा इंटू बीटा मींस आर अपान पी होल क्यूब कंप्लीट टर्म पे लिखा, ठीक आई पास कर दी। तो यहां पर हर टर्म की वैल्यू लिखी है अपने उनकी अपनी पोजिशन पे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी ब्रेकेट में नेगेटिव नंबर होल स्क्वायर पावर टू, इवन मींस टू मींस इवन पॉजिटिव हो जाएगा एंड क्यू पे भी स्क्वायर अपान में पी पे भी स्क्वायर माइनस थ्री आर अपान में पी ब्रेकेट होगा होल अपान में आर अपान पी और होल क्यूब, तो दोनों टर्म पे क्यूब है, अलग अलग क्यूब लिखेंगे आर क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब। सही आई बात समझ गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी, ये टर्म सेम। अब यहां पर ब्रैकेट में ये दोनों टर्म माइनस हो रहे फ्रैक्शन में, क्या करेंगे एलसीएम अगेन लेंगे, फ्रैक्शन खत्म करना है, कैंसिल करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर देखिए p स्क्वायर एंड p वेरिएबल सेम है तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल एलसीएम के लिए चूज करेंगे। फर्स्ट टर्म q स्क्वायर अपान में p स्क्वायर एलसीएम p सर p स्क्वायर तो q स्क्वायर सर माइनस 3r के अपान में p एलसीएम में p स्क्वायर है तो p स्क्वायर को इसके p से करेंगे डिवाइड, तो 1p कैंसिल हो जाएगा बाकी 1p रहेगा इसके डिवाइडर के साथ मल्टीप्लाई में आया। सही है, एंड देन अब देखिए होल टर्म के अपान में जो डिवाइड टर्म हो रहा है वो खुद डिवाइड हो गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, टर्म हो जाएगा रेसिप्रोकल p क्यूब डिवाइडेड बाय r, रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि जो टर्म डिवाइड हो रहा है वो खुद ही डिवाइड था इसलिए मल्टीप्लाई में चेंज किया हो गया रेसिप्रोकल। सही है, अब देखिए क्या हो रहा है, मजीद सिंप्लीफिकेशन है तो देखते हैं। सो अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस क्यू पी क्यू के साथ कंबाइन करके लेते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस पी क्यू इनटू क्यू, रीअरेंज किया कंबाइन कर दिया है इसके साथ अपान में पी, ठीक ये भी पी स्क्वायर है, ठीक यहां पर आर स्क्वायर तीनों टर्म्स है ना, सो देखें एंड ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर माइनस थ्री आर बी होल अपान में तीनों टर्म जो न्यूमरेटर थे माइनस क्यू पी क्यू एंड ये ब्रैकेट में टर्म कंबाइन लिखा है आपके सामने पी मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू एंड आर क्यू, सो पी क्यू इंटू आर क्यू ये दोनों आपस में सेम टर्म में मल्टीप्लाई हो गए आर क्यूब साथ है। सही है, अब ये पी क्यूब को पी क्यूब से साथ डिवाइड करेंगे तो बाकी माइनस क्यू ब्रेकेट में ये क्यू स्क्वायर माइनस थ्री आर इंटू पी डिवाइडेड बाय सिंपली आर क्यूब टर्म रहा है, तो ये है फाइनली सम ऑफ रूट्स की वैल्यू, ठीक है आई बात समझ में एग्री है याद है। तो अब तो आप यहां तक तो सिंपली सम ऑफ रूट्स हमारे पास मौजूद है, अब क्या करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो रूट्स वन अपॉन अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन बीटा क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइए इनको समझते हैं। सो माइनस माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई होगा प्लस वन मल्टीप्लाई वन के साथ न्यूमरेटर न्यूमरेटर वन वन साथ वन अपान में अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब, ठीक है सिंपल। अब डिवाइड में जो टर्म अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दोनों पे अलग अलग पावर सेम पावर है तो होल पावर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं लिखा। सो अब देखें इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आर अपान में पी होल क्यूब आ गया, सही ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है, देखिए सिंपली जी आपके सामने मौजूद है। सो 1 डिवाइडेड बाय r अपॉन में p होल पावर, तो दोनों में पावर अलग-अलग है अब अलग-अलग लिखा, ठीक
अब 1 से जो दोनों टर्म डिवाइड हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कंप्लीट टर्म हो जाएगा रेसिप्रोकल, डिवाइड में वो टर्म खुद डिवाइड में हो गया मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आई 1 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, मींस सिंपली पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, सिंपली ये प्रोडक्ट का रूट्स मिल चुका, ये सिंपल हो गया। सही है, आई बात समझ गए, एग्री है। अब क्या सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स तो दोनों आपके सामने आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जिस इक्वेशन के रूट्स थे उन रूट के हिसाब से रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पहले हमें रूट का सम एंड रूट का प्रोडक्ट फाइंड करना था, फाइंड किया। अब इन दोनों को वापस उस रिक्वायर्ड इक्वेशन के जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, इक्वेशन क्या है, टेक आउट करेंगे। सो अब देखें इस बीच वाला क्वेश्चन रेस कैसे लेते हैं, इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है x स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिखी, अब देखें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट्स के सम की और प्रोडक्ट की, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड किया जो आपके सामने है माइनस क्यू ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर माइनस 3 आर पी डिवाइडेड बाय आर क्यू ब्रैकेट ओवर इनटू एक्स आर, ये है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो फाइंड किया हमने वो बी प्लेस की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड किया जो आपके सामने है सिंपली पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू इक्वल टू 0। सही है, दोनों वैल्यूज को जस्ट रिप्लेस किया फॉर्म में, अब इनको मजीद करेंगे साल कैसे, देखें अब ये माइनस साइन यहां पर भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई ताकि ये ब्रैकेट रिमूव हो जाए, तो माइनस टू माइनस प्लस क्यू ब्रैकेट में ये टर्म क्यू स्क्वायर माइनस 3 आर पी डिवाइडेड बाय आर क्यू इनटू एक्स वैल्यू साइन प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू इक्वल टू 0। सही, ये आई क्वेश्चन, मगर आंसर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में टर्म है, ये भी फ्रैक्शन में टर्म है, प्लस हो रहे प्लस हो रहे टर्म फ्रैक्शन में, अगेन क्या करेंगे दोबारा एलसीएम, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर देखिए x स्क्वायर के डिनोमिनेटर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 शो किया, यहां पर x क्यूब सॉरी r क्यूब, ये भी r क्यूब, तो एलसीएम क्या होगी r क्यूब इज कॉमन, तो एलसीएम इज r क्यूब। ऐसे हमेशा डिनोमिनेटर की ली जाती है, डिनोमिनेटर में अगर टर्म कोई कॉमन है वन स्थान देखेंगे, सो आर क्यूब इज कॉमन फ्रॉम दिस बोथ, एंड यहां पर भी वेरिएबल आगे कुछ भी नहीं है तो मींस वन है, तो वन है कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर जो टर्म उसके साथ जो एलसीएम है वही नंबर से मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा प्लस ये क्यू साइन क्यू स्क्वायर माइनस 3 आर इंटू पी ब्रेकेट ओवर एक्स, इसके अपने जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम है तो न्यूमरेटर सेम रहेगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, अब पी क्यू इसके अपने जो नंबर है सेम वही एलसीएम है तो न्यूमरेटर यहां पर भी सेम रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ गए, अब जो न्यूमरेटर में टर्म है इस कंप्लीट टर्म के साथ आर क्यूब डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये आर क्यूब डिवाइड में है तो साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, ये आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस 3 आर इंटू पी एक्स प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। सो ये है फाइनली रिक्वायर्ड इक्वेशन, सक्सेसफुल हो गए, इक्वेशन मिल गए, आई बात समझ में, सही है। तो ये थी इक्वेशन जो रूट गिवन थे उन रूट के हिसाब से इक्वेशन आपके सामने, ठीक है। सो अब सिंपल है, डिफिकल्ट मैं भी कहूंगा नहीं है क्योंकि लेंथी जरूर हुआ है, जस्ट अर्थमेटिक है, नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो रहे हैं तो हर उनके पार्ट में समझते आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे जरूर, आपकी कंफ्यूजन दूर कब होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वो हर प्रॉब्लम में अगेन मैं यही बात करता जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, वो भी फुली कंसंट्रेशन से,
क्योंकि प्रॉब्लम लेंथी है, टिपिकल है, बहुत सारे टर्म जब कंबाइन हो जाते हैं तो प्लस माइनस की अगर गलती हो गई तो मीन्स प्रॉब्लम कंप्लीटली आप जितना भी सर मारेंगे गलती नहीं मिलेगी आपको वहां पर, देन कंसंट्रेशन करेंगे तो गलती होने का चांस भी नहीं होगा एंड सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे फुली कंसंट्रेशन से, फुली समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस।